आज के श्रीमद् भागवत की चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 22वें अध्याय प्रथम महाराज मीटिंग विद द कुमारास पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा चार श्लोकों में किस प्रकार से सनत कुमार ने बताया प्रथम महाराज को कि एक जीव जब अपने इंद्रिय भोग के लिए कार्य करता है और अपने आत्म तृष्णा भगवत तृष्णा को भूल जाता है और इंद्रिय तृष्णा और बुद्धि तृष्णा अहंकार तृष्णा में रत हो जाता है तब उसके पतन की शुरुआत होती है। कल के श्लोकों में हमने देखा द कॉरलरी टू भगवत गीता 2.62-63 ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामा क्रोध अभिजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृतिर्भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो आज के श्लोकों में भी यही श्रृंखला आगे बढ़ती है कि किस प्रकार से एक जीव को अपने परम स्वार्थ के लिए हमेशा चिंतित रहना चाहिए। व्हाट इज द परम स्वार्थ फॉर अ पर्सन? द बिगेस्ट स्वार्थ फॉर अ पर्सन इज विष्णु गति, भगवान विष्णु का सेवक बनना। और यही श्रृंखला और यही आज के अध्याय या आज के जो पूरे भागवत का सार है। तो हम शुरुआत करेंगे। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 32 अध्याय 22 स्कंद 4। नातः परतरो लोके पुंसः स्वार्थ व्यतिक्रमः यदध्यन्यस्य प्रेयस्त्वं आत्मनः स्वव्यतिक्रमात्। There is no stronger obstruction to one's self-interest than thinking other subject matters to be more pleasing than one's own self-realization. तो यहाँ पे स्वार्थ व्यतिक्रम और स्वव्यतिक्रम। स्वअर्थ व्यतिक्रम is interest obstruction and व्यतिक्रम is obstruction. So, अपने स्व साक्षात्कार के लिए आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन व्यतिक्रम क्या है कि आत्मा की जरूरतों से ज्यादा शरीर की जरूरतों को इंपॉर्टेंट समझना, इससे ज्यादा व्यतिक्रम और कुछ नहीं है। Obstruction, व्यतिक्रम अर्थात obstruction. So there is nothing more obstructive to self-realization than to think that something else is more important than self-realization. मनुष्य जीवन मिला है अर्थात हो ब्रह्म जिज्ञासा। इस ब्रह्म जिज्ञासा में हम भगवान के चरण कमलों को इसी जीवन में प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। जीव ये क्षमता रखता है कि इसी जीवन में श्री प्रभुपाद ने कहा फिनिश ऑफ दिस बिजनेस इन दिस लाइफ टाइम।
So otherwise one more lifetime, again one more lifetime, again one more lifetime, finish off this business. खत्म कर दीजिए इस श्रृंखला को, बहुत हो गया. श्रील प्रभुपाद जी इस चीज को 1972 में, प्रभुपाद जी जब अपने फर्स्ट बैच को लेकर के वृंदावन आए थे, वहां पर वृंदावन में प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे हैं और इस चीज को बार बार कहते हैं, फिनिश ऑफ दिस बिजनेस इन दिस लाइफ टाइम. तो एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल, एक जीव को इसी जीवन में सारी चीजें खत्म करना डेफिनेटली पॉसिबल. श्लोक क्रमांक 33, अर्थेन्द्रियार्थाभिध्यानम् सर्वार्थापहनवो नृणाम् भ्रंशितो ज्ञान विज्ञानात् येनावेशति मुख्यताम्. फॉर ह्यूमन सोसाइटी कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ हाउ टू अर्न मनी एंड अप्लाइंग इट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन ब्रिंग्स अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ एवरीवन्स इंटरेस्ट. When one becomes devoid of knowledge and devotional service, he enters into species of life like those of trees and stones. So, केवल अगर मनुष्य जीवन प्राप्त करके पशु योनि में जो चीजें मिल सकती हैं, उस पर ही अगर जीव ध्यान केंद्रित करेगा, तो अगले जीवन में प्रकृति उसे फिर से मनुष्य जन्म क्यों देगी और कैसे देगी? हम ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं बहुत विस्तृत रूप से, कि अगर हम किसी को 10,000 रुपए देते हैं और एक महीने के बाद या 6 महीने के बाद पूछता भाई वो 10,000 का क्या हुआ, तो वो व्यक्ति कहता है कि भाई मैंने 10,000 रुपए ऐसे कैसे खर्च किए. अगर उसने ऐसे ही उड़ाए हैं तो क्या हम उसको फिर से देंगे? कभी नहीं देंगे. अगर उसने सही में उसका सदुपयोग किया है तो क्या हम उसे और फिर से देंगे? डेफिनेटली देंगे. सो दोनों को चांस मिला एंड डिपेंडिंग ऑन कैसे चांस का उपयोग किया गया, फिर प्रकृति उसे अगला जन्म देती है. तो हम अगर बैकग्राउंड न जानते हुए, केवल सद्य परिस्थिति को देखते हुए हम अगर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे तो वो ठीक नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल कि एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए का अच्छा उपयोग किया तो उसको फिर से 10,000 रुपए मिल रहे हैं, दूसरे व्यक्ति ने 10,000 रुपए उड़ा दिए तो उसे नहीं मिल रहे हैं. तो जो प्रीकर्सर था पहली बार जब 10,000 दिए गए थे, वो अगर किसी ने नहीं जाना, किसी ने नहीं देखा, तीसरा व्यक्ति क्या जुड़ता है श्रृंखला में, केवल यहां जुड़ता है कि अरे इस बार वो मांग रहे हैं, दोनों मांग रहे हैं 10,000 और दे दो, और मैं उनको नहीं दे रहा, एक को दे रहा हूं एक को नहीं दे रहा, तो तीसरा व्यक्ति सोचेगा अरे इसके साथ तो पक्षपात हो रहा है, जिसको नहीं दिया जा रहा उसके साथ तो पक्षपात हो रहा है. लेकिन वो प्रीकर्सर नहीं जानता, अरे पिछली बार दोनों को दिया था, जिसने सदुपयोग किया उसको फिर से मिल रहा है, जिसने दुरुपयोग करके उड़ा दिया उसको डेफिनेटली नहीं मिलेगा. तो आज जो व्यक्ति रोगग्रस्त है, आज जो व्यक्ति गरीब है, वो पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार है, पिछले जन्मों में उसे सब मिला था, उसका उपयोग नहीं हुआ है, इसीलिए अब प्रकृति ने उसे छीन लिया है. प्रकृति ने उस व्यक्ति से वो चीज छीन ली और हम अभी देखते हैं अरे दिस इज इनइक्वालिटी. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. तो प्रकृति बहुत ही सटीक कार्य करती है, क्योंकि प्रकृति भगवान की शक्ति है, वह हमारी शक्ति नहीं है कि कभी ठीक से काम करे ठीक से नहीं काम करे, कभी सिस्टम क्रैश हो जाए कभी फट जाए, ऐसा नहीं होता. भगवान कहते हैं मम माया दुरत्यया, मेरी माया है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, हेतु न अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते. दूसरा कोई हेतु ही नहीं है, केवल मेरी अध्यक्षता में सब कुछ चल रहा है. तो अगर ये अध्यक्षता न जानते हुए, कर्मों की श्रृंखला न देखते हुए, प्रीकर्सर न जानते हुए, केवल सद्य परिस्थिति को देख करके अगर कोई व्यक्ति सोचता है अरे मेरे साथ तो बहुत अन्याय हो रहा है, तो ये सही चीज नहीं है.
कहीं ना कहीं हमें जानना चाहिए कि आज के सुख ये हमारे क्या कहेंगे पिछले जन्मों के कर्मों का पोस्ट कर्सर है और आज के जीवन के दुख ये भी हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का पोस्ट कर्सर है। प्री कर्सर हम भूल गए हैं। सो इसीलिए अब मनुष्य जन्म मिला है तो क्या करना चाहिए अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा इस कर्मों की श्रृंखला से निकल जाइए। भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण सबसे उत्तम तरीका है। बहुत आसानी से इस भौतिक संसार से व्यक्ति निश्चित रूप से निकल सकता है। सो कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ अर्निंग मनी एंड अप्लाइंग इट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन ब्रिंग्स अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ एवरीवन्स इंटरेस्ट। केवल पैसे 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 ये क्या करेगा सबके जीवन में अहित लाएगा। सो हम देखते हैं जीवन में धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ। सो धर्म है धर्म करेगा तो अर्थ प्राप्त होगा अर्थ आएगा तो अर्थ से क्या होगा काम इच्छाएं परिपूर्ण होंगी और इंद्रिय भोग होगा। तो जब धर्म अर्थ और काम के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो मोक्ष कहां से आया फिर मोक्ष की जरूरत नहीं है। धर्म से अर्थ आ रहा है अर्थ से काम आ रहा है मोक्ष की जरूरत ही क्या है फिर से धर्म करो फिर से अर्थ करो फिर से काम वासना में अर्थ को लगाओ फिर से धर्म करो तो मोक्ष आता किधर है। सो शास्त्र हमें बताते हैं किस प्रकार से इंद्रिय सुख मनोसुख ये क्या करता है व्यक्ति को एक्चुअल आनंद नहीं देता। इंद्रिय विषय वस्तुओं का मानसिक विषय वस्तुओं का जो आनंद है वो क्षणभंगुर है। तो इसको जितना भी इस रस को पिए व्यक्ति उसकी प्यास बुझती रही कामादिनाम कतिन कतिधा पालिता दुर्निदेशस तेषां जातः मई न कृपा न त्रिपा न उपशांति। काम आदि नाम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि आदि नाम कतिन कतिधा पालिता दुर्निदेशस कितने समय से कितने जन्मों से उनके दुर्निर्देशों का पालन करते आया हूं लेकिन तेषां जातः उनके मन में मई मेरे प्रति न कृपा न त्रिपा न उपशांति। न कृपा कभी करुणा उत्पन्न नहीं हुई त्रिपा कभी समाधान उत्पन्न नहीं हुआ न उपशांति कभी वो शमन भी नहीं हुआ। हाँ भाई बहुत हो गया। सो ये ऐसी आग है जितना आप घी डालते जाओ। सो हैविंग डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड indulging इन सेंस ग्रेटिफिकेशन हैविंग डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन इज लाइक हैविंग अ फायर एंड indulging इन सेंस ग्रेटिफिकेशन इज लाइक pouring बटर। सो आग में जितना घी डालेंगे आग तो बढ़ती जाएगी। हम सोच रहे हैं अरे आग तो बुझेगी 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 नहीं बढ़ती जाएगी। yes. So then one becomes devoid of knowledge of devotional service and he enters into species of life like those of trees and stones. तो आज जो निम्न श्रेणियों में जीव हैं कभी न कभी वो मनुष्य थे उसका सदुपयोग नहीं हुआ है इसीलिए अब निम्न श्रेणियों में उनको जन्म दिया गया है या शरीर दिया गया है। इसीलिए सनत कुमार कहते हैं श्लोक क्रमांक 34 में न कुर्यात् कर्हि चित् संगम तमस तीव्रम तितीरिषु धर्मार्थ काम मोक्षाणां यद्यत्यंत विघातकम्
those who strongly desire to cross the ocean of nascence must not associate with the modes of ignorance. For hedonistic activities are the greatest obstructions to realization of religious principles, economic development, regulated sense gratification, and at last liberation. यहाँ पे सनत कुमार क्या बता रहे हैं? Those who strongly desire, this strong desire is very very important. अत्यंत तीव्र इच्छा, जब तक तीव्र इच्छा उत्पन्न नहीं होती, actually भगवत धाम जाना impossible. भगवत धाम का जो टिकट है उसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं, व्हाट इज द ओनली क्वालिफिकेशन फॉर एंटरिंग स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वे कहते हैं लौल्यम, इंटेंस ग्रीड. सो लौल्यम केनापि एकम मूल्यम जन्म कोटि सुकृति भिर् न लभ्यते. वे कहते हैं कि अगर कहीं पर भक्ति के लिए अत्यंत लोभ मिल रहा है तो किसी भी परिस्थिति में उसे वो खरीद लेना चाहिए. स्वरूप गोस्वामी से इज वेरी ब्यूटिफुली रूप गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण भक्ति रस भावितामती क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृति भिर् न लभ्यते. तो कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, वो मति वो चेतना जो कृष्ण भक्ति के रस में डूबी हुई है. कृष्ण भक्ति रस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, कृष्ण भक्ति में रस कब आएगा? रस ये केवल निष्ठा से ऊपर आएगा. रुचि के स्तर पर रस है. निष्ठा यानी नैष्ठिकी भक्ति, ऑल द अनर्थास आर फिनिश्ड. निष्ठित भक्ति, All 10 नाम अपराधास आर फिनिश्ड, दैट इज निष्ठित भक्ति, नैष्ठिक भक्ति. उसके बाद रुचि, रुचि के स्तर पर रस का आस्वादन है. इसीलिए तो उसको उसमें रुचि आ रही है. जब तक रस नहीं है, अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा के स्तर तक रस नहीं है, रुचि आसक्ति भाव और प्रेम, ये रसा फील्ड्स है. So, रूप गोस्वामी हमें बहुत सुंदर रूप से बताएं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, ऐसी मति जो एक व्यक्ति को तब प्राप्त है जब उसने पूरे अनर्थों को शमन कर लिया है, दमन कर लिया है, निष्ठित भक्ति पर वो स्थित हो गया है और अब उसके मन में भगवान की भक्ति के प्रति रस आस्वादन होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. कम से कम वो रुचि के स्तर पर है. सो रूप गोस्वामी कहते हैं कि क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, अगर कहीं पे मिले तो उसे खरीद लेना चाहिए. फॉर वॉट एवर प्राइज इफ वन गेट्स सच मती वन शुड टेक. यस, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम. किस करेंसी से इस प्रकार की मति खरीदी जा सकती है? इंटेंस ग्रीड, अत्यंत हैवी मैडेंड ग्रीड टू हैव सच, दैट इज वेयर राग अनुग भक्ति कम्स. ये वैधि भक्ति के स्तर पर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आसक्ति या इच्छा केवल शास्त्रों के आधार पर है, स्वाभाविक रस के आधार पर नहीं है. तो राग अनुग भक्ति यह भी साधना ही है. यस, लेकिन द डिजायर फॉर एग्जीक्यूटिंग डिवोशनल सर्विसेज हैपनिंग बिकॉज ऑफ
the impetus to execute devotional activities is not based on Shastra Vidhi, but it is based on seeing the living dealings of Vrindavan devotees. So, यहाँ पर जब भक्ति रुचि के स्तर तक आएगी तो उसके बाद वहां रस मिलना शुरू होगा. सो तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृति भिर न लभ. कोटि जन्मों की सुकृतियों से ऐसी मति नहीं मिलती है. बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ. हम सभी को श्री प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव का संग मिला है. हम बता नहीं सकते हम कितने, हम सोच भी नहीं सकते हम कितने भाग्यशाली हैं. जन्म कोटि सुकृति भिर न लभ्यते. कोटि कोटि जन्म भी अगर घूमता रहा जीव तो भी ऐसी सुकृति उसे नहीं मिलती. श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि अत्यंत ही दुर्लभ है जीव को एक गुरु का संग प्राप्त होना. साधु शास्त्री कृपाय यदि कृष्णोन्मुख है से जीव निस्तारी माया तहारी छाड़े. तो कब एक जीव माया के चंगुल से छूटता है. कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं साधु शास्त्र कृपा यदि कृष्ण उन्मुख है. कृष्ण उन्मुख कैसे होगा? साधु और शास्त्र की कृपा से होगा. तो साधु शास्त्र कृपा यदि कृष्ण उन्मुख है से जीव निस्तरे. वो जीव ही निकल सकता है माया रे माया ताहरे छाड़े. माया उसे छोड़ देगी. So, ये कौन साधु है जो माया के चंगुल से हमें निकलने का या निकालने का साहस शक्ति रखते हैं? ये गुरु है. So, इसीलिए जीव को चाहिए कि हमेशा आदौ गुरुपादाश्रय सद्धर्म पृच्छा और विश्रम भेण गुरुर सेवा. गुरु के चरण कमलों का आश्रय, सत धर्म की परीक्षा उनसे, और उन्होंने दिए हुए मार्ग पर अविरत रूप से चलना. ये जीव को हमेशा याद रखना चाहिए. श्लोक क्रमांक 35. तत्रापि मोक्ष एवार्थम आत्यंतिक यते त्रैवर्ग्योर्थो यतो नित्यं कृतांत भय संयुतः. आउट ऑफ द फोर प्रिंसिपल्स नेमली रिलीजन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड लिबरेशन, लिबरेशन हैज टू बी टेकन वेरी वेरी सीरियसली. द अदर थ्री आर सब्जेक्ट टू डिस्ट्रक्शन बाय द स्ट्रिंजेंट लॉज ऑफ मटीरियल नेचर डेथ. सो धर्म अर्थ काम ये सब शरीर के रहने तक है. शरीर जैसे खत्म, धर्म अर्थ काम की श्रृंखला खत्म. लेकिन शरीर के निकलने के बाद भी मोक्ष हो सकता है या शरीर के निकलने के बाद ही मोक्ष होगा. तो शरीर जब खत्म होने वाला है तो इस शरीर से जुड़े हुए धर्म अर्थ और काम पर जीव बहुत ज्यादा ध्यान देता है. लेकिन इस क्षणभंगुर शरीर के नष्ट होने पर जो शाश्वत आत्मिक स्थिति है उसकी जो स्वाभाविक सेवा है मोक्ष, उसमें जीव कभी ध्यान नहीं देता. यही माया है. माया आवरणात्मिका शक्ति से जीव के मोक्ष के प्रति अटैचमेंट को, भगवत धाम में जाने की जो इच्छा है उसके स्वारस्य को छुड़वा देती है. छुड़ती नहीं है, टेम्पररी कवर कर देती है.
जैसे रस्ट आयरन फाइलिंग या रस्ट जो होता है वो लोहे को कवर करता है और उसकी चुंबक के प्रति आकर्षण करने की जो क्षमता है वो है, लेकिन उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से बद्ध जीव माया कितना भी प्रयास कर ले, माया जीव के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन को चेंज नहीं कर सकती। जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन को माया हाथ नहीं लगा सकती। जैसे रस्ट ये क्या करती है, लोहे को कुछ नहीं करती, वो अपनी एक परत बनाती है बस। यस, सो उसी प्रकार से माया क्या कर सकती है, अपना एक आवरण दे सकती है। एक्चुअली वो आध्यात्मिक चित्तकण जो है उसे छू नहीं सकती। सो माया के प्रभाव से, भगवान के प्रभाव से माया को आध्यात्मिक स्फुल्लिंग को कवर करने की शक्ति मिलती है। सोचिए, माया तो सूक्ष्म और स्थूल भौतिक तत्वों से बना है, माया तो भौतिक तत्व है और जीव तो आध्यात्मिक है। मम एवंश जीवलोके जीव भूत सनातना, तो आध्यात्मिक तत्व भौतिक आत्मा को कैसे कवर कर सकते हैं, हो ही नहीं सकता। तो ये शक्ति भगवान देते हैं, इसलिए भगवान बोलते हैं दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज एग्जैक्टली लाइक आपकी आत्मा है, चलो मैं आत्मा को कवर कर लेता हूं। अरे आत्मा दिखती नहीं है, कवर कहां से होगी। सो वैसे ही माया कैसे आत्मा को कवर करे, ये शक्ति भगवान आत्मा को देते हैं, क्योंकि इनहेरेंटली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मटीरियल स्फीयर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पिरिचुअल स्फीयर आर डिफरेंट। बट हियर द स्पिरिचुअल चित कण स्फुल्लिंग आत्मा इज बीइंग कवर्ड बाय नीसेंस लाइक एक्सटर्नल एनर्जी सटल और ग्रॉस इन द फॉर्म ऑफ माया। श्लोक क्रमांक 36, परे वरे च ये भाव गुण व्यतिकरादनु नतेषां विद्यते क्षेम ईश विध्वंसस विध्वंसिता शिशाम। वी एक्सेप्ट एज ब्लेसिंग्स डिफरेंट स्टेट्स ऑफ हायर लाइफ, डिस्टिंग्विश्ड देम फ्रॉम लोअर स्टेट्स ऑफ लाइफ, बट वी शुड नो दैट सच डिस्टिंक्शंस एग्जिस्ट्स ओनली इन रिलेशन टू द इंटरचेंज ऑफ मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। एक्चुअली दीज स्टेट्स ऑफ लाइफ हैव नो परमानेंट एग्जिस्टेंस, फॉर ऑल ऑफ देम विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द सुप्रीम कंट्रोलर। तो सनत कुमार कहते हैं इस जीवन में उच्चतम योनिया, उच्चतम लोक, उच्चतम भोग, ये सब अच्छा है, उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन ये उच्चतम लोक, उच्चतम श्रेणी, उच्चतम भोग, उच्चतम योनिया, ये सब भी क्षणभंगुर है, भगवान सबको नष्ट करने वाले हैं। सो व्हाट रिमेन्स इटर्नली is only us as souls. Everything else is going to finish. So, actually, the only purpose of human form of life is Brahma Jigyasa or Vishnu Seva. जैसे प्रह्लाद महाराज सप्तम स्कंद में बहुत सुंदर रूप से कहते हैं, नते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशयाय बहिरर्थमानिनः तदांत गोभी विषतम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वराणाम। सो क्या करता है व्यक्ति, वो समझ नहीं पाता कि एक्चुअली स्वार्थ गति विष्णु है। सबसे बड़ा स्वार्थ है विष्णु गति प्राप्त करना, सबसे बड़ा स्वार्थ है मोक्ष की तरफ धर्म अर्थ और काम से परावृत्त होना और मोक्ष के प्रति प्रवृत्त होना। ये व्यक्ति समझ नहीं पाता है एक्चुअली मोक्ष ये उसका एक्चुअल घर है।
मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के जीवन से छुटकारा और भगवान की हमेशा प्रेममय सेवा, ये जीव की स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन इस स्वाभाविक स्थिति को ढक दिया गया है माया के कारण। तो सोचिए माया कितनी शक्तिशाली है। यस, इतनी शक्ति है माया के पास। श्लोक क्रमांक 37। तत्त्वं नरेन्द्र जगतां, तत्त्वं नरेन्द्र जगतां अथ तस्तुषां च देहेन्द्रियासुधिषणात्मद्भिरावृतानां यः क्षेत्र वित्तपतया हृदि विश्वगामि प्रत्यक्षकास्ति भगवान् स्तमवेहि सोऽस्मि। Sanat Kumar advised the king, therefore, my dear King Pradhu, try to understand the Supreme Personality of Godhead, who is living within everyone's heart, along with the individual's soul. In each and every body, either moving or non-moving, the individual souls are fully covered by gross material body and subtle body made of life, air and intelligence. Isiliye he Narendra, he Pradhu, कृपया आप भगवत तत्व को जानने का और उस आध्यात्मिक चित्त कण को समझने का जो भगवान का अंश है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसे समझने का प्रयास कीजिए, कम से कम प्रयास कीजिए। वहीं पे तो भगवान निवास करते हैं। सो कृष्णा इज ऑलवेज देयर right next to the soul. So कठोपनिषद हमें सुंदर उपमा देता है कि हमारे अंदर, शरीर के अंदर दो आत्माएं हैं, एक तो जीव आत्मा और दूसरा परम आत्मा। जीवात्मा इज अस एंड परमात्मा इज द लॉर्ड। उपमा कैसे दी गई है, जैसे दो पक्षी एक पेड़ के ऊपर बैठे हैं। एक पक्षी फलों को खा रहा है, कभी कभी अच्छे फल हैं, कभी मीठे फल हैं, कभी तीखे हैं, कभी मिक्स्ड हैं, कभी कड़वे हैं, कभी खट्टे हैं। इस प्रकार के फलों का आस्वादन लेते हुए एक डाली से दूसरी डाली वो एक पक्षी फुदक रहा है। तो फलों का आस्वादन लेना यानी एक जन्म, और एक डाली से दूसरी डाली, एक फल का आस्वादन ले लिया तो दूसरी डाली पर फुदक गया, वो फुदकना टेस्ट करना है जीवन, और फुदकना है जन्मों को चेंज करना। सो जो जीव इन अलग अलग फ्रूट्स को टेस्ट कर रहा है, जब तक वो टेस्ट कर रहा है, दैट इज ट्रीटेड एज वन लाइफ टाइम। और एक फ्रूट को टेस्ट कर लेने के बाद दूसरे डाली में दूसरे फ्रूट की ओर वो फुदक गया, दैट इज टेकन एज डेथ एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अ न्यू बॉडी। तो हमेशा अपने अपने कर्मों के हिसाब से वो घूमता रहा है। लेकिन इस आत्मा को छोड़ करके एक और पक्षी है परमात्मा, वो केवल इस फुदकने वाले पक्षी को देख रहा है और वो सोच रहा है कि अरे ये जीव या ये पक्षी, इसके मन में ये बैठ गया है कि मुझे कहीं ना कहीं तो अच्छे फल मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन वो नहीं जानता कि फल मिले, अच्छे मिले, नहीं मिले, उसकी भूख कभी तक नहीं मिटने वाली जब तक वो मेरे पास नहीं आता। The desire for sense gratification and mental gratification will never go unless there is actual taste, higher taste. We can never give up. It is impossible. माया की जकड़ इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, जब तक
एक्चुअली हम वो हायर टेस्ट का रस आस्वाद नहीं करते, ये इंद्रिय भोग की इच्छाएं नहीं जाएंगी। इसीलिए सनत कुमार कहते हैं दैट माय डियर किंग प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हु इज लिविंग विद इन एवरीवन्स हार्ट अलोंग विद द इंडिविजुअल सोल इन ईच एंड एवरीबॉडी। कृपया भगवान को समझने का प्रयास कीजिए, स्वयं को समझने का प्रयास कीजिए, इस शरीर से परे होकर जीना सीखिए। और इसका सबसे आसान तरीका है भगवान के पवित्र नामों का जप, कीर्तन इज द बेस्ट, द मोस्ट इजीएस्ट। कुछ नहीं कर सकता, भगवान का नाम तो ले सकता है। कई लोग हैं जो गूंगे हैं, कई लोग हैं जो बहरे हैं, वो भी मानसिक रूप से जप कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अगर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे पास तो सब कुछ भगवान ने भर भर के दिया है, तो भगवान अगर सब कुछ अपनी तरफ से भर भर के दे रहे हैं और हम उसका उपयोग उनकी सेवा में नहीं कर रहे, तो भगवान हमको ये मनुष्य जन्म का गिफ्ट फिर अगले जीवन में नहीं देंगे। सो इज ही नॉट जस्टिफाइड इन नॉट गिविंग अस दैट ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। दिस इज समथिंग टू बी रियली थॉट अबाउट और पॉन्डर्ड ऑफ। अगर कोई अपने जीवन में थोड़ी सी भी भक्ति करता है, क्या प्रॉब्लम है? श्रील प्रभुपाद जी भागवतम 1.5.17 को कोट करते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन अपक्वोत्पते ततो यदि यत्र क्वा भद्रम अभद्रमुष्य किम को वा अर्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। श्री प्रभुपाद जी कोट करते हैं भागवतम से कि त्यक्त्वा स्वधर्म, इस शरीर में दो प्रकार के धर्म, स्वधर्म और परधर्म। तो त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन, अपने स्वधर्म को त्याग करके अगर कोई व्यक्ति भगवान के हरि भजन में लग जाता है, अपक्वोथ परिपक्व नहीं हुआ वो भजन मृत्यु के समय तक, पते ततो यदि अगर कोई गिर भी जाता है, भगवत धाम नहीं जाता, को वा अभद्र अभुद अमुष्य की, व्हाट इज लॉस, वॉट इज नॉट गुड, ठीक है नहीं हुआ नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत को वा अर्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः, अगर कोई अपने फैमिली मेंबर्स, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, समाज, देश इत्यादि की बहुत अच्छे से सेवा कर रहा है, तो भी क्या फायदा है अल्टीमेटली। को वा अर्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः, कोई फायदा। So primary importance is paradharma, secondary importance is swadharma. Paradharma is our duties towards the Supreme Personality of Godhead, and swadharma is our duties towards our body, our loved and near and dear ones. Thank you very much. Hare Krishna. Grantharaj Shriman Bhagavatam ki jai, upasthit Vaishnavrinda ki jai, nitai Gaur Premanande Hari.